हेलो दोस्तों, मैं डैनियल प्रमोद, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ क्लैरिटी कोच एंड माइंड ट्रेनर। आप सभी को मेरा धमाकेदार फुल पावर नमस्कार। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि यार, हम सबकी जिंदगी में कभी अच्छा टाइम चलता है, कभी बुरा टाइम चलता है। यानी कि हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। ये सुख आते हैं ना, तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने परेशानियां आती है, दुख आते हैं, तब हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, सबसे पहला ऑप्शन कि या तो हम कुछ परेशानियों से, कुछ मुश्किलों से हिम्मत हार कर गलत रास्ते की ओर जाते हैं और अपने अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम मिट्टी में मिलाने की ओर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम उन परेशानियों से, उन मुश्किलों से हिम्मत ना हार के उनका सामना करके अच्छाई के रास्ते को चुनते हैं और अपने और अपने माँ बाप का और अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ये सिखाएगी कि चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, हम अपने आप को अच्छाई के रास्ते पे ले जाकर अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपने आप को जीत दिला सकते हैं। दोस्तों, यह एक पुरानी कहानी है और जिसमें होता क्या है कि बुजुर्ग आदमी अपने पोते को सदियों से चला हुआ ज्ञान दे रहा था। वो अपने पोते को उस युद्ध के बारे में बता रहा था जो हम सबके दिलो दिमाग में अक्सर हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, हमारे दिलो दिमाग में दो भेड़ियों के बीच में युद्ध चलता रहता है, एक अच्छा भेड़िया है और दूसरा बुरा भेड़िया। जो बुरा भेड़िया है ना, वो लालची है, घमंडी है, स्वार्थी है, छल कपटी है। दूसरी तरफ अच्छा भेड़िया शांत है, विनम्र है, उसमें संवेदना है। और इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी चुप हो जाता है। अब होता है, वो दुविधा में चल रहा है और वो ये मतलब सोचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जीतेगा कौन, यानी कि अच्छा भेड़िया जीतेगा या बुरा भेड़िया। जब उसको ये समझ नहीं आता है कि कौन जीतेगा, तो वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ये तो बताइए कि आखिर जीतेगा कौन, अच्छा भेड़िया या बुरा भेड़िया। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से भेड़िए को जिताना चाहते हैं। यदि आप अच्छे भेड़िए को खाना खिलाते हो, उसको बलवान बनाते हो और कम बुरे भेड़िए को भूखा रखते हो, तो अच्छा भेड़िया जीतेगा। दूसरी तरफ अगर आप बुरे भेड़िए को ज्यादा खाना खिलाते हो और अच्छे को कमजोर रखते हो, भूखा रखते हो, तो जाहिर सी बात है बलवान ही जीतेगा। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि अच्छा भेड़िया को जिताना चाहते हो या बुरे को। मैं आपको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि दोस्तों, अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हो, तो ये समझ लेना कि आप अपने अच्छे भेड़िए को बलवान कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, तो आपका जो मन का अच्छा वाला भेड़िया है वही जीतेगा। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हो जो छल कपटी है, स्वार्थी है, घमंडी है, तो आपके दिमाग को कैसे विचार मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। तो यानी कि कौन से भेड़िए को खाना ज्यादा मिल रहा है, बुरे भेड़िए को। तो आप भी वैसे ही इंसान बनोगे। और अगर आप छल कपटी, घमंडी और स्वार्थी इंसान बनते हो, तो ना आप कभी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो और ना कभी अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। दूसरी तरफ आप अगर अच्छे लोगों के संगति में रहते हैं जो मन से शांत है, विनम्र है, उनके अंदर संवेदना है, और उन लोगों के साथ रहते हो, तो आपके दिमाग में अच्छे विचार जाएंगे। आप अगर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपके माइंड में अच्छे विचार जाते हैं जो आपको सफल इंसान बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो आपको सहायता करते हैं एक अच्छा इंसान बनने में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो यार, क्योंकि हम वैसे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर करते रहते हैं जिनसे हमारे समाज को, हमारे परिवार को कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं, आपके परिवार वाले कुछ सीख सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हो, तो यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे excited.